मित्रों नमस्कार, मैं वैद्य जेपी आयुर्वेद रत्न सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज एक ऐसी समस्या जो बचपन से और बुढ़ापे तक व्यक्तियों को सताती है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके जो बाल हैं वो बुढ़ापे तक काले बने रहें, परंतु आजकल के वातावरण में खान पान की व्यवस्था में देखा गया है कि 10-12 साल तक के बच्चों के बाल भी जड़ से सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। बढ़ती उम्र की तो बात छोड़िए, बढ़ती उम्र में तो चलो ठीक है बाल सफ़ेद हो जाते हैं, लेकिन अभी तो बचपन में ही बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। बहनों भाइयों, बाल सफ़ेद होने का कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये दूसरी अनेक बीमारियों के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है। कई बार व्यक्ति नज़ला, जुकाम, खांसी से लंबे समय तक पीड़ित रहता है, या उसको कोई लंबी बीमारी वो हो जाती है, जैसे टाइफाइड हो गया, या किसी प्रकार की आंतों की बीमारी से पीड़ित है, तो उनके शरीर में कुछ मिनरल्स और विटामिन्स की कमी आ जाती है, यानी कुछ मिनरल्स और विटामिन्स डेफिशिएंट हो जाते हैं, जिसके कारण बालों में सफ़ेदी आना निश्चित है। अच्छा, इसके निवारण के लिए व्यक्ति क्या करते हैं, तरह तरह के तेल यूज करते हैं, तरह तरह के रंग रोगन कलर करने के जो केमिकल्स हैं उनका प्रयोग करते हैं, उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं। जब तक समस्या के मूल में, जड़ में आप नहीं पहुंचेंगे, तब तक समस्या का हल नहीं होगा। आयुर्वेद में किसी भी रोग का निवारण करने से पहले ये देखा जाता है कि इसका कारण क्या है, उस कारण को दूर करना होगा। जब तक कारण दूर नहीं होगा, तब तक वो रोग भी दूर नहीं होगा। तो बाल काले करने के लिए तरह तरह के तेल इस्तेमाल करने से कोई लाभ नहीं। तेल का कारोबार बहुत ज़बरदस्त चला हुआ है इस समय, और सभी ये गारंटी देते हैं कि इससे बाल काले बने रहेंगे, काले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, होता कुछ नहीं। ठीक है, तो आज मैं आपको एक ऐसी औषध का नुस्खा दूंगा जिसको खाने से आपके बाल जड़ से काले होंगे, और अगर बचपन से इसका प्रयोग करते हैं तो ये मेरा निश्चित आपको गारंटी है कि 70 साल की आयु तक भी बाल सफेद नहीं होंगे। और इसको आप घर पर ही बना सकते हैं, कोई बहुत भारी इसमें वस्तुएं नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, भ्रंगराज, भांगरा, भांगरा एक जड़ी बूटी है, अक्सर नाली नदी तालाब पानी के आसपास में ये बहुत आयत में मिलती है। लोग आप इसको काट करके पशुओं को चारा खिलाते हैं भ्रंगराज में। इसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, और बालों की को पोषण देने के लिए आयरन की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो भ्रंगराज, भांगरा, किसी भी जानकार से आप पता कर सकते हैं, आम लोग इसको जानते हैं। इसकी पत्तियां इकट्ठी कर लें, और इसकी पत्तियां इकट्ठी करके सुखा लें छाया में, छाया में सुखा करके इसका वजन 50 ग्राम कर लें, और इसमें 25 ग्राम मिलाएं काले तिल, और 25 ग्राम ही सूखे आंवले का चूर्ण मिलाएं इसमें, और फिर इसमें 50 ग्राम आप या तो देसी खांड आपको मिल जाए वो मिला लें, या रस्सी वाली जो मिश्री कुचा आती है उसको मिला सकते हैं। तो इन सबको कूट पीस के एक चूर्ण बना लीजिए, बहुत बेहतरीन चूर्ण बन जाएगा। 5 ग्राम की मात्रा सुबह शाम, या तो खाना खाने से आधा घंटा पहले, या खाना खाने के आधा घंटा बाद, आप ताजे पानी से इसको लेते रहिए। आप देखना, जिन बच्चों के बाल जड़ से सफ़ेद हो रहे हैं उनको अभी से इसको देना शुरू कर दीजिए। बाल जड़ से काले हो जाएंगे और 70 साल की आयु तक भी बाल सफ़ेद नहीं होंगे। इसका निरंतर प्रयोग कीजिए, 1-2 महीना निरंतर प्रयोग कीजिए, ये 10-12 दिन की दवाई नहीं है। इससे आपके शरीर में पौष्टिकता आएगी, अनेक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, और
बाल हमेशा पहले बने रहेंगे। और लगाने वाले तेल की जहाँ तक बात है, जब तक आप इसको खा रहे हैं, कोई भी तेल आप लगाते रहिए। वैसे मैं एक नुस्खा तेल बनाने का भी दे रहा हूँ, उसको भी आप घर में बना सकते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी उसमें नहीं उठानी पड़ती। आग पर तेल को पकाना पड़ता है और बहुत सी जड़ी बूटियाँ उसमें डालनी पड़ी हुई, वो मैं नुस्खा बताऊँगा, आपको बता रहा हूँ, इसी के साथ साथ वो नुस्खा आ जाएगा, आप उसको भी बना लें और उसको भी प्रयोग करें। और वो तो एक प्रतिदिन प्रयोग करने वाला तेल है, उसको प्रतिदिन लगाएं बालों में तो सफ़ेद बाल भी काले हो जाएंगे। और अपने खाने पीने का ध्यान रखें, चने भुने हुए चने खाते रहें, इसमें विटामिन बी कम्प्लेक्स मिलता है और भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन इससे हमें प्राप्त होते हैं, बड़ी पौष्टिकता इससे मिलती है। तो इस तरह के खाद्य पदार्थ आप लेते रहें तो आपके बाल जो है निश्चित रूप से काले बने रहेंगे। और भाइयों बहनों, यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें तुरंत, और यदि आपको ये नुस्खा अच्छा लगा है तो लाइक भी करें और अपने साथियों को, अपने मित्रों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।